दोस्तों आज बैकलैश में ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स के बीच धमाकेदार मैच देखने को मिला। मैच शुरू होने से पहले कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर के ऊपर बरस पड़े। उन्होंने ब्रॉक लेसनर के ऊपर स्टील स्टेप्स और चेयर से जबरदस्त अटैक किया, लेकिन जब लेसनर रिंग में थे तब उन्होंने कोडी रोड्स को सुप्लेक्स लगाकर रिंग में धराशायी कर दिया। फैंस सुप्लेक्स सिटी के नारे लगा रहे थे। इस दौरान कोडी रोड्स ने टर्नबकल खोल दिया और चतुराई दिखाते हुए ब्रॉक लेसनर को टर्नबकल पर पटक दिया। इस कारण ब्रॉक लेसनर रिंग में उनसे लथपथ हो गए। इस दौरान कोडी रोड्स ने बिल्कुल भी नहीं किए और लेसनर को ऊपर जबरदस्त मूव्स लगाए, लेकिन इस मैच के अंत में ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को किमोरा लॉक में डाल दिया और इस बीच कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को रोल अप कर दिया और इस मैच को जीता। तो दोस्तों इसे देखकर क्या लगता है कि कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के बीच दुश्मनी जारी रहेगी, ये देखने वाली बात है। अगर ये दुश्मनी आगे बढ़ जाती है तो उनके बीच और भी खतरनाक घमासान देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ब्रॉक लेसनर और रोड्स के बीच में दुश्मनी आगे बढ़नी चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा।